हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको 3 टिप्स बताऊंगा जिससे आप बोर्ड एग्जाम में 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो आप मेरे तीनों टिप्स को जरूर देखिए। और इस स्टार्ट करने के पहले मैं आपका बताना चाहूंगा कि आप अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपका 3 टिप्स जो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलवाएगा। पहला, सबसे फर्स्ट में है आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करना है, आप उसके लिए क्या कीजिए। सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो आप अपने अलॉटेड सीट पर कूल माइंड से बैठिए। और उसके बाद दिमाग में अगर कोई डर है तो सबसे पहले डर को हटा दीजिए। शोले का एक डायलॉग आपको याद होगा, जो डर गया वो मर गया। इसलिए सबसे पहला डर को हटाना है दिमाग से। कूल माइंड से अलॉटेड सीट पर बैठ जाने के बाद आप ये मत सोचिए कि मेरा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, वो आप सारे चीजों को दिमाग से हटा दीजिए। सिर्फ ये सोचिए कि हम एग्जाम में आज आए हैं तो हमको अपना बेस्ट दे करके जाना है, चाहे मार्क्स जो भी आवे, लेकिन अपना 100% देना है और बेस्ट देना है। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को रीड कीजिए। 10 मिनट आप टाइम दीजिए क्वेश्चन पढ़ने में और उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आएगा उसी क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट में बनाना है। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जब इवेल्यूएटर चेक करेगा, इवेल्यूएट करेगा आपके कॉपी को, तो वो देखेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका चेक कर रहा है वो बहुत अच्छा से बना हुआ है, तो उसके दिमाग में एक इफेक्ट आएगा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि ये स्टूडेंट अच्छा है, ये इसको मार्क्स अच्छा दिया जा सकता है। तो वो आपके कॉपी को लिबरली चेक करेगा, अगर छोटी मोटी कुछ गलतियां होगी तो उसको इग्नोर करेगा, वहां पर मार्क्स आपका कट नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है उसी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, और भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा तो उसके प्रायोरिटी के अनुसार जो है आप उस क्वेश्चन को आगे बनाते चल जाइए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको लग रहा है कि ये मैं क्वेश्चन में फंस सकता हूं इसके आंसर में, तो आप उस क्वेश्चन को एकदम लास्ट में बनाइए। तो पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, कि क्वेश्चन का सिलेक्शन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं टच करना है फर्स्ट में जिसमें आप फंस सकते हो। दूसरा टिप्स है आपके लिए, दूसरा टिप्स जो आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता है वो है, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आंसर शीट में ऐसा लिखिए कि उसको आसानी से पढ़ा जा सके। आप कोशिश कीजिए कि हमारा हैंडराइटिंग अच्छा हो, आप अपनी तरफ से हैंडराइटिंग को खराब मत करने की कोशिश कीजिए। और बहुत छोटा भी नहीं लिखना है, बहुत बड़ा भी नहीं लिखना, ऐसा लिखना है जिससे वो इवेल्यूएटर जो है उसको आसानी से पढ़ सके लिखना। दूसरा चीज ध्यान देना है कि आपको नंबर जो लिखते हैं वो नंबर को एकदम क्लियर लिखना है। जिस नंबर का, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप स्पष्ट लिखिए। और अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है तो आप इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं। आप ब्लैक और ब्लू पेन एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसमें रिप्रेजेंटेशन में ध्यान देने की जरूरत है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 1-2 लाइन का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप एक जगह बनाइए। ऐसा नहीं है कि अगर 10 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें से 8 क्वेश्चन को मैं एक जगह बना दिया और फिर 1-2 क्वेश्चन जो बच गया उसको मैं कहीं पर भी बीच में घुसा करके बना दिया, वो काम नहीं करना है। वो अगर 2 क्वेश्चन जो आपका बचा हुआ है वो आप कहीं बीच में अगर डाल दिए हैं तो कभी कभी एग्जामिनर के नजर से वो ओवरलैप हो जाता है, हट जाता है, वो नहीं देख पाता है, जिससे मार्किंग छूट जाता है। इसीलिए आपको 10 ऑब्जेक्टिव अगर है, मान लीजिए सपोज कीजिए 10 ऑब्जेक्टिव है, तो उस सभी ऑब्जेक्टिव को एक जगह लिखने का प्रयास कीजिए।
रिप्रेजेंटेशन में एक और चीज का ध्यान देना है कि अगर आपके आंसर में कोई पिक्चर बनाने की जरूरत है तो उस पिक्चर को आप पेंसिल से बनाइए। पेंसिल से बनाने से क्या होगा कि आप उस पिक्चर को अगर गलत बन जाता है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं और फिर दूसरा पिक्चर बना सकते हैं। अगर आप पेन से बनाते हैं और वो पिक्चर गलत बन गया तो आपको उसको क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करने से कॉपी गंदी लगेगी, इसीलिए आप उसको पेंसिल से बनाइए। तीसरी चीज का ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर आप किसी आंसर को लिख रहे हैं और पेज में दो तीन लाइन बचा हुआ है, वो आंसर कंप्लीट होने के बाद दो तीन लाइन अगर बच गया है तो आप वहां नया क्वेश्चन को स्टार्ट मत कीजिए, आप उसको पेज को पलट दीजिए और फिर नेक्स्ट पेज में उस नए क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। और एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आपकी कुछ गलतियां हो जाए, कहीं पर कुछ काटने की जरूरत पड़े तो उसको आप बॉक्स बना करके घेर करके काट दीजिए। अगर दो लाइन आप आंसर लिखे हैं उसके बाद अगर गलत हो जाता है तो फिर क्या करना है, वो दो लाइन को भी साथ में काट दीजिए और फिर नए सिरे से उसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। अगर आप ज्यादा लिख चुके हैं तो फिर काटने की जरूरत नहीं है, बीच में जहां गलत है सिर्फ वहां पर काटिए, लेकिन एक दो लाइन लिखने के बाद अगर गलत हो गया तो उसको पूरा को काट करके फिर नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है एवेल्युएटर पर, वो अच्छा मार्क्स फिर देता है। और दो चीजों का हम लोग बात कर चुके हैं, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा आपको टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाली है तो इसके लिए आप घर पे प्रयास कीजिए, कोई क्वेश्चन पेपर उठाइए और क्वेश्चन पेपर को आप 3 घंटे में लिख पाते हैं या नहीं आप ये देखिए। और एग्जाम में भी आप बहुत स्पीड भी मत लिखिए कि आपका 2-2.5 घंटे में हो जाए और आपका हैंडराइटिंग खराब हो जाए या कुछ गलतियां हो जाए, आप ऐसा टाइम मैनेज कीजिए ताकि 3 घंटे में आप बहुत अच्छी तरीके से उसको लिख पाएंगे। तो ये 3 चीजों का आप ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ सकता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर ये जो नीचे एक आ रहा है सर्कल, उस सर्कल पर टच कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।